हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुकृति लव्स। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सर, आज मैं आप लोग के साथ फेस्टिव मेकअप लुक का सेकंड मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फेस वॉश करके आ गई थी, उसके बाद से गुड वाइब्स का टी ट्री टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर लगाना आप डेली रूटीन में भी लगा सकते हैं। टोनर लगाने से हमारी स्किन जो होते हैं वो हाइड्रेट रहता है पूरे टाइम तक। और उसके बाद से मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पॉन्स का जेल मॉइस्चर राइजर, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट के साथ साथ स्मूथ भी रखेगा और ड्राइनेस भी नहीं रहेगी। फिर मैं उसके बाद यूज कर रही हूँ NYB का पोर मिनिमाइजर प्राइमर है, जो कि हमारे ओपन पोर्स जो होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएगा और बेस हमारा स्मूथली फाउंडेशन या जो भी बेस पे हम क्रीम अप्लाई करेंगे वो स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। देन मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का माउस प्लस प्राइमर मैट फाउंडेशन, जो कि बहुत अच्छा है। मीडियम डेली यूज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। मीडियम कवरेज है इसका, कोई फुल कवरेज नहीं है। सो अच्छा लगता है अगर आप डेली वेयर में कभी ऑफिस या घर पे कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर इसको आप कंसीलर के साथ यूज करते हैं तो ये आपका 4 से 5 घंटे तक स्टे कर लेता, अच्छे से ब्लैक नहीं होने देता आपकी स्किन को। फिर मैं स्पॉन्ज की हेल्प से इसको डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि थोड़ा अच्छा सा फिनिश आ जाए हमारे फेस पे। देन मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का एज रिमाइंडर कंसीलर अपने आई डार्क सर्कल के लिए। बस हल्का सा मैं यूज करूँगी और इसको आई प्राइमर की बेस तरह भी यूज करूँगी। और आपको जहाँ जहाँ लगता है कि आपको हाईलाइट करना फेस पे अपने, फिर आप इसे लगा सकते हैं। फिर इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो कंसीलर होता है अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है फिंगर से। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको बस फिनिश दे दूँगी टचअप के लिए। देन मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लेके उसको अपने कंसीलर जो मैंने लगाया है उसको सेट कर लूँगी जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया हो, क्योंकि अगर हम कंसीलर से अब इसको पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो ये हमारा बेस जो कंसीलर लगाया वहाँ पे केकी केकी लगेगा। सो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अगर जब भी कंसीलर यूज करें तो उसको सेट करना ज़रूरी होता है। देन मैं यूज करूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का पैलेट ली हूँ, आई शेडो पैलेट। उसमें से मैंने ट्रांजिशन कलर एक पिक किया है, ये है लाइट ऑरेंज कलर का है। और इसको मैं अपने आईलेट पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आईलेट पे आई शेडो का ब्लेंडिंग ही बहुत अच्छा होना चाहिए। आई शेडो आई मेकअप के लिए ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एकदम हल्के हाथों से जैसे करेंगे वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। देन मैं यहाँ पे सीस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ऑरेंज कलर मैं पिक करूँगी और ये थोड़ा सा गिल्टरी है ऑरेंज। सो मैं इसको अपने जो हाईलाइट्स का कट क्रीज है उस पर मैं बस इसको अप्लाई करूँगी हल्के हाथों से, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद से मैं कॉर्नर में इसी पैलेट से मैं पर्पल कलर का पिक करूँगी और उसको कॉर्नर में अपना स्मोकी टाइप का बस हल्का सा इस पर टचअप करूँगी। बिकॉज मेरे ड्रेस में पर्पल है सो इसलिए मैं इसको कॉर्नर में कर रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है ताकि ऐसा ना लगे कि अलग से हमें लगाएं। दोनों आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे मिक्स करके और कॉर्नर में लगाने के बाद से। और आप देख सकते हैं मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ और ब्लेंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए आपके आई मेकअप के में। सो मैंने अच्छे से कर लिया है और अभी मैं आई मेकअप ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट होने वाला है अब। सो मैं अभी इसी पैलेट में से हल्का सा ब्राउन कलर का पिक करूँगी, लाइट ब्राउन, जो कि मैं अपने आउटलाइन को जो मेरा इन लोअर वाटर लाइन है उसके नीचे मैं इसको स्मज कर लूँगी। अपर भी मैंने लगाया हुआ है, ट्रांजेक्शन कलर मैंने नीचे भी लगा रही हूँ मैं। सो ये हो गया। उसके बाद से मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल लोअर और
अपर दोनों वाटर लाइन पे, आइज के दोनों वाटर लाइन पे मैं यूज करूँगी, और बहुत हल्का सा मैं यूज करूँ, ज़्यादा ब्रॉड मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज ये फैल जाता है तो सो अच्छा नहीं लगता है। और अभी मैं इसी पैलेट से मैं पिक करी हूँ डार्क ब्राउन कलर, और उससे मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी एक पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से, और अच्छे से इससे आईब्रो फिल कर लूँगी। मुझे इसके थ्रू फिल करना अच्छा लगता है और अच्छे से हो भी जाता है। फिर मैंने ब्रो कॉम लेके इसको अच्छे से सेट कर ले रही हूँ अपने आईब्रोज को, ताकि अगर ऐसे आईब्रो में अगर आप पाउडर वाले आईब्रोज में लगाते फिल करने के लिए, सो इसको कम करके कहीं ज़्यादा और कम होता है तो उसको कर सकते हैं आप। देन मैं यूज कर रही हूँ ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्करा है, और इसको ऊपर अपर लैसेस और लोअर लैसेस दोनों पे मैं यूज कर ले रही हूँ, लगा ले रही हूँ। देन मैं यूज करूँगी यहाँ पे मेबलिन का ब्लैक बोल्ड लाइनर। इसको मैं बहुत थिन ही मैं लाइनर अपना अप्लाई करूँगी, ड्रॉ करूँगी थिन वाला, और थोड़ा सा बस पॉइंट निकाल रहा हूँ अपने आइज के इनर में। मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगाना था सो इसलिए मैं यहाँ पे सेट अपने जो पूरे फेस को सेट कर ले रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से। मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर है, ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर, मुझे नाम तो पूरा याद नहीं आ रहा है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, इसको आईब्रोज बोन पे मैं हल्के से फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ, कि ताकि हमारा आई शेडो जो होता है अगर हाइलाइटर लगा दे तो आईब्रोज खुल के आता है, उभर के दिखता है, सो इसलिए मैं हाईलाइट कर ले रही हूँ। और आईज की कॉर्नर पर भी मैं हाईलाइटर लगा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं लगाना होता, थोड़ा सा ही लगाना होता है। देन मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से ट्रांजेक्शन कलर लिया हुआ है, ये इससे मैं अपना ब्लश ऑन कर लूँगी, जो भी ऐसे पाउडर होता है उसको रिमूव कर देते हैं और हल्के हाथों से इसके ब्लश करते हैं और ब्लेंडिंग अच्छे से करते हैं, और जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट होती है आप वहाँ वहाँ पे आप ब्लश ऑन कर सकते हैं। देन उसके बाद से मैं थोड़ा सा इसी पैलेट में से डार्क ट्रांजेक्शन कलर है उससे मैं लेके मैं पूरे फेस को कॉन्टोर नहीं करूँगी, बस चिन एरिया को, और सिर्फ चिन एरिया को ही कॉन्टोर कर रही हूँ मैं। उसके बाद से मैं स्विस ब्यूटी का जो हाइलाइटर पैलेट था उससे मैं पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट थी मैंने कर लिया। फिर यहाँ पे मैं पर्पल कलर का लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, एबेंजोर का लिपस्टिक है, और इसको मैंने लगा लिया है। उसके ऊपर से मैं बस सेट करने के लिए NYV का न्यूड लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। सो ऑल मेकअप कंप्लीट हो गया है, आई होप कि आप सबको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया होगा, और ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच सपोर्ट मी एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए, लव यू गाइस, बाय, टेक केयर।